और बुलेटिन की शुरुआत बीजेपी में बंदूकवाद की। जी हां, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और मुरैना से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर जब शिवपुरी पहुंचे तो उनके स्वागत में गोलियों की बौछार कर दी गई। प्रशासन बंदूकों की सलामी को सिर्फ तमाशे की तरह देखता रहा। दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर को गडकरी की नई टीम में राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा दिया गया है। इसके बाद वो पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र जा रहे थे। बीच रास्ते में शिवपुरी जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोककर बंदूकों की सलामी दी और तस्वीरों में यह साफ नजर आया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 100 से ज्यादा बंदूकों से हवाई फायर किया। अगर आप ये समझ रहे हैं कि लोगों को फायरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही तो आप गलत हैं। और अगर आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि तस्वीरें बिहार के किसी दूर दराज की हैं, तो भी आप सरासर गलत हैं। ये ना तो लोगों को ट्रेनिंग देने की कोशिश और ना ही ये बिहार की तस्वीर है। ये है उस राज्य की तस्वीर जहाँ चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई दी जाती है, जहाँ की तो जाती है आदर्श की बात पर हकीकत कुछ और होती है। आपने सही पहचाना, ये है शिवराज सिंह चौहान के राज्य मध्य प्रदेश की तस्वीरें और जिनके स्वागत में पुलिस और प्रशासन से बेखौफ होकर लोग हवाई फायरिंग कर रहे हैं। वो है बीजेपी के हाल में बने महासचिव नरेंद्र सिंह तोमर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुरैना के सांसद तोमर महासचिव बनने के बाद पहली बार शिवपुरी जिले के पोहरी तहसील पहुंचे। जैसे ही बीजेपी महासचिव नरेंद्र सिंह तोमर की गाड़ियों का काफिला यहां पहुंचा कि लोगों ने जमकर फायरिंग शुरू कर दी। जाहिर है जिन हथियारों से फायरिंग की गई उनमें से ज्यादातर हथियार अवैध हैं। लेकिन इससे क्या, जब पुलिस को इस बात की कोई चिंता नहीं तो फिर अपने नेता का दिल जीतने में भला ये लोग क्यों कसर छोड़े। एक बार फिर से देखिए देश को बदलने का दावा करने वाले बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के महासचिव को किस कदर 105 बंदूकों की सलामी दी जा रही है। इस बात को मानने से कौन इनकार करेगा कि इन तस्वीरों को देखने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर और एक बाहुबली नेता में कोई अंतर है। अपने चहेते नेता की खुशी में खुश होना कोई गलत बात नहीं है, पर सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाना अपराध है। फिर चाहे मंत्री हो या फिर संतरी, कानून दोनों के लिए एक ही भाषा में बात करता है। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान सरकार इस शक्ति प्रदर्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस फायरिंग में किसी की जान चली जाती तो जिम्मेदार कौन होता? क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी अपने महासचिव की भारतीय बंदूक पार्टी की नुमाइश देख रहे हैं? दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर को गडकरी की नई टीम में राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा दिया गया है। इसके बाद से ही उनका स्वागत गोलियां छोड़कर की जा रही है। इससे पहले शिवपुरी में भी गोलियां चलाई गई थी और वहां प्रशासन बंदूकों की सलामी का सिर्फ तमाशा देखता रहा। तब तोमर पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र जा रहे थे। बीच रास्ते में शिवपुरी जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोककर बंदूकों की सलामी दी। नरेंद्र तोमर को 101 बंदूकों की सलामी दी गई और फिर वही गलती एक बार फिर दोहराई गई। साफ है कानून को ताक पर रख दिया गया है। बीजेपी के नए महासचिव बने नरेंद्र सिंह तोमर को कानून से कुछ भी लेना देना नहीं है।